हेलो हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, मैंने जैसे अपनी इंटरसेप्टर, रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर में जो LH एंड RH कवर में बफिंग की है, तो इंजन बेसिकली जो वाटर मार्क्स आ जाते हैं उसका मैंने प्रॉपरली बफिंग करके प्रॉपरली उसको बफ किया है और वॉश क्लीन किया है। जो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैंने आज सोचा कि अपनी बाइक जो काफ़ी दिन से गंदी पड़ी हुई थी उसको वॉश करता हूँ। फिर मैंने नोटिस किया कि उसमें प्रॉब्लम्स, वाइट मार्क्स थे, काफ़ी पहले से प्रॉब्लम थी, जो निशान पड़ जाते हैं, जैसे आप जानते हैं सब, जो रॉयल इनफील्ड बुलेट भी यूज़ करते हैं, क्लासिक यूज़ करते हैं, सब जानते ही होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आप, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जैसे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, इसमें भी कितने वाटर मार्क्स हैं, निशान पड़े हुए हैं, सारे आज हम बफिंग की मदद से सारा ठीक करेंगे। आप देखिए मेरी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आज अपनी इंटरसेप्टर को LH और RH कवर और थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी बफिंग किया, तो उसके लिए मुझे जो मेन मेन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी वो मेरे सामने है। एक इसमें हमने डल मशीन यूज, सबसे प्राइम डी मशीन यूज हुई, ये वाइट था बट ये इसके ऊपर कार्बन आ गया क्योंकि वो मैंने बफिंग कर दी, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाई। तो एक ये चाहिए वाइट कलर का, ये सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये डॉलर कट कंपनी का मैंने लिया था, तो ये सॉफ्ट था, तो ये अब कार्बन आ गया। इसके अलावा नट बोल्ट वॉशर का सेट चाहिए, वो ये 4 इंच मैंने लिया था बट मुझे लगता है कि ये 3 इंच ही होना चाहिए था, ये 4 इंच ही मैंने लिया था नट बोल्ट और वॉशर का सेट। इसके अंदर इसका जो इसकी एप्लीकेशन ये ऐसे करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेंटर में डाल के, सेंटर बना के, एक तरफ से वॉशर डाल के ये सेंटर बना के प्रॉपरली फिट कर देना, प्रॉपरली एकदम चाबियों से की से टाइट टाइट करने के बाद में हमने अपनी शिवली की ऐसे डाल के प्रॉपरली इसको, ये मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, प्रॉपर इसको फिट करके सेंटर करके उसके बाद हमने मैं आगे पारा कर दूँगा। सबसे मेन चीज़ है ये जो ग्रीन कलर का कंपाउंड यूज़ होता है, ये ग्रीन कंपाउंड, इसको ग्रीन साबुन भी कहते हैं टेक्निकल जो है बंदे, वो प्रॉपरली इसके आगे लगाने के बाद इसके ऊपर ये सारा लगाने के बाद प्रॉपरली अप्लाई करना है, वो आप सब वीडियो में देख लेकिन ये। और इसको फाइनल टच करने के बाद उसमें मैंने ये पैकेट आता है क्रोम पाउडर का, क्रोम पाउडर से फाइनल फिनिशिंग की है, जो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको इफेक्ट इसका पता लगेगा। अच्छी तरह से साबुन लगा के
सारा कार्बन जो भी उस पर लगा था पसंद बैठे हुए सारा वो पाउडर की वजह से आ जैसे कि आपने देखा, आपने पूरी वीडियो, मुझे होप है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस टाइप की कि मैंने खुद वीडियो शूट भी किया, काम करके सारा एडिट करके मैंने यूट्यूब पे डाला है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं चाहूँगा कि आप उन सभी भाइयों से शेयर कीजिए जिनके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट है और इंटरसेप्टर है, तो कॉन्टिनेंटल कोई सी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है, क्योंकि ये मोस्टली जो यूज़ होना है ये रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ही होना है। अगर आपको ये मेरा एफर्ट और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे कमेंट करके मुझे मेरी जो भी कमी है इसमें थोड़ी है वो आपको बताइए। तो आप आई होप कि आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करेंगे जिनके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट है। ओके, थैंक यू।